सो हे गाइस, एक्सट्रीम हेरा, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार आर्क सर्वाइवल एवॉल्व में। तो हाँ, बहुत महीनों बाद आज हम लोग फिर से आर्क खेलने वाले हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्क की एक न्यू सीरीज जो कि है प्राइमल फियर। तो हाँ, हम लोग प्राइमल फियर खेलने वाले हैं जो कि आर्क का वन ऑफ द हार्डेस्ट मॉड माना जाता है। हम लोग इसे रैग्नारोक में खेलने वाले हैं क्योंकि रैग्नारोक मैप बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉड्स इंस्टॉल करके रखे हैं और यहाँ पर मैंने सेटिंग्स में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जैसे कि एक्सपी मल्टीप्लायर 1.5 है, ट्रेमिंग स्पीड यहाँ पर 3 रखा है मैंने और यहाँ पर हार्वेस्ट अमाउंट भी मैंने 3 रखा है और मैंने ले एक इंटरवल को भी कम कर दिया है क्योंकि हमें बहुत सारे एक्स चाहिए होंगे और मैंने नाइट टाइम स्पीड को भी 30 रखा है क्योंकि मुझे नाइट में खेलना पसंद नहीं है। ये सारे नॉर्मल सेटिंग्स चाहिए होते हैं एंड चलो अभी शुरू करते हैं। सर्वाइवर तो मैंने क्रिएट कर लिया है, अभी चलते हैं अपने स्पॉन लोकेशन पे और स्पॉन लोकेशन हम लोग चूज करेंगे हाईलैंड्स इन, क्योंकि इस जगह पर मैंने एक केव देखा था और केव सेफेस्ट बेस है इस मॉड के लिए, तो हम लोग हाईलैंड्स इन पे चलते हैं। ओके, स्पॉन तो मैं हो चुका हूँ यहाँ पर, देख लेते हैं आसपास कोई खतरा तो नहीं लग रहा मुझे। ये क्या है, ये तो मगरमच्छ लग रहा है मुझे। छोड़ो, मुझे क्या अटैक तो नहीं कर रहा, तो थोड़े बहुत अपने बेसिक से चीजें कर लेते हैं। मुझे चाहिए वुड, थैच और स्टोन। वैसे मेरी शक्ल कैसी है भाई, ये तो पूरा टकला है, बाद में शायद बाल आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर 3 लेवल अप हो गया। इस मॉड में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मूवमेंट स्पीड, क्योंकि हमें बहुत सारे खतरनाक डायनो से बचना पड़ता है। और देखो यहाँ पर कितने सारे चीजें खुल गई है और मुझे ये एनग्राम से एक करके क्लिक करके ओपन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने ऑटो में एनग्राम का मॉड डाला है। मुझे चाहिए एक पिकेक्स। ये पिकेक्स उठाने का एनिमेशन सच में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। थोड़े बेसिक से सामान कलेक्ट कर लेते हैं फिर चलेंगे अपने बेस की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया, मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ एक केव में, क्योंकि केव सेफ है यहाँ पर, नहीं तो कब कहाँ से कौन सा डाइनो आ जाए पता भी नहीं चलेगा भाई। और यहाँ के डाइनो सच में बहुत ही खतरनाक है, अभी तो एक भी नहीं दिख रहा मुझे, अभी तक तो मुझे सिर्फ ये अजीब सा दिखने वाला मगरमच्छ दिखा है। तो यहाँ पर बेसिकली डाइनोस बहुत तरीके के होते हैं, अल्फा, एपेक्स और वगैरह वगैरह। हम जितना सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे तुम लोगों को पता चलता रहेगा वो कौन सा पंछी है। भाई भाई तुम मेरी तरफ आ रहा है क्या? अच्छा नहीं आ रहा, चलो बच गए। वो उसे अटैक कर रहा है वहाँ पर, बट मुझे जाने दिया, चलो बहुत बढ़िया। भाई भाई ये कौन सा पंछी है इतना बड़ा? और मुझे वहाँ पर क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, क्रिस्टल्स तो मुझे चाहिए भाई, बट ये पंछी से मुलाकात नहीं करनी मुझे। और हाँ, मैं इन आर्क के वीडियोस को उतना भी ज्यादा एडिट नहीं करूंगा ताकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली आए, क्योंकि मुझे ये सीरीज जो है कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करना है। ओके, क्रिस्टल मिल गए हमें, आई थिंक थोड़े ही मिले, 4 क्रिस्टल मिले। भाई मैं स्टोन के पिकेक्स से तोड़ रहा था इसलिए शायद कम मिले। वो देखो गाइस, वहाँ पर एक अल्फा है, शायद दिख रहा है तुम लोगों को रेड कलर का। ये रेड वाले अल्फा होते हैं ज्यादातर, जिनसे हमें नहीं भिड़ना बिल्कुल भी। ये देखो इस बेचारे की क्या हालत की इसने, भाई मीट ले लूं मैं, और मुझसे दूर है। तो चलो अपने केव की तरफ चलते हैं जो कि इस तरफ है, और यहाँ पर डायलोफोसॉरस भी है। रुको मैं एक स्पाई ग्लास बना लेता हूँ, ये रहा ऑसम स्पाई ग्लास, जिससे कि हमें डायनोस के बारे में बहुत चीजें पता चलेंगी। तो इस स्पाई ग्लास से हमें कुछ डायनोस ऐसे दिखेंगे। ये डायलोफोसॉरस है 50 लेवल का, इससे फिलहाल तो मुझे नहीं भिड़ना भाई, दूर रहे। और गाइस वहाँ पर एक व्हेल है, चलो स्पॉइल मीट मिल जाएगा बहुत सारा। चलो बहुत सारे रिसोर्सेस मिल रहे हैं यहाँ पर, भाई क्या ही स्टेमिना है बेकार, मेरा स्टेमिना बढ़ाते हैं। एक व्हेल से मुझे 700 स्पॉइल मीट मिल गए, बहुत ही बढ़िया भाई। और यहाँ पर 2 और है, चलो स्पॉइल मीट और केराटिन की तो कमी नहीं रहेगी, और मेरा लेवल अप भी हो रहा है बहुत फास्ट। वहाँ पर एक पेला गॉर्निस है जिसे पकड़ने के लिए मुझे फिश मीट चाहिए, बट अभी तो मेरे पास फिश मीट नहीं है भाई, वजन बढ़ गया मेरा बहुत ज्यादा, वेट को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर मेटल्स भी है, चलो मेटल वगैरह तो फिर सामने से ही मिल जाएंगे मुझे। आई थिंक मुझे थोड़े आइटम्स ड्रॉप करना पड़ेगा, स्टोन ड्रॉप कर देते हैं। अभी चलते हैं अपने केव की तरफ जो कि यहाँ से ठीक ठाक दूर तो है। और वहाँ पर वो क्या है भाई, अल्फा ब्रांचियोसॉरस, ब्रोंटो का भाई है क्या? ये कोई नया डायनो ऐड हुआ है क्या? ब्रांचियोसॉरस मैंने तो नहीं सुना था। और यहाँ पर एक अल्फा साइरोक्रोस्टाइरोसॉरस, ओके इसे मैंने पहले भी देखा था बट इसका अल्फा वाला वर्षन मैं पहली बार देख रहा हूँ। और वहाँ पर लेजेंडरी पेगासस भी है, अगर हम लोग ये पेगासस टेम कर ले तो हम लोग उड़ सकते हैं, बट इसे टेम करने के लिए हमें स्पेशल केबल चाहिए एंड स्पेशल केबल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पर वो क्या घूम रहा है, एपिक्स डिफेंस यूनिट, ये एपिक्स का है तो ये खतरनाक होगा जरूर। वही भाई मैं डर गया भाई, मुझे लगा कौन सा डाइनो आ गया है सामने, बट वो तो भागुचन था। वैसे वो केव कहाँ पर था मैं थोड़ा भूल गया हूँ, वो रहा केव शायद वहाँ पर, मैं इसी की बात कर रहा था। तो जल्दी से चलते हैं अपने केव में, यहाँ पर मुझे फाउंडेशंस लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। और तुम लोग ये केव देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर यहाँ का सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और इस तरफ ये चारों तरफ से बंद है, तो कोई डायनोस हमारे डायनोस को नहीं मार पाएंगे। और तो और यहाँ पर मेटल भी है भाई, मुझे मेटल का नहीं पता था। चलो बहुत अच्छी जगह मिल गई हमें। तो रात हो रही है जो कि थोड़ी देर में ही चली जाएगी क्योंकि रात का स्पीड मैंने बहुत ज्यादा रखा है। थोड़े बहुत बेसिक से सामान बना लेते हैं, बेड वगैरह, तो बेड को हम लोग ऐसे ही किसी जगह पर प्लेस नहीं कर सकते, इसके लिए फाउंडेशन चाहिए शायद। ओके, बेड के पास एक स्टोरेज बॉक्स, चलो बहुत बढ़िया, हमारी चीजों को यहाँ पर रख देते हैं और चलते हैं फिर से चीजें कलेक्ट करने। एक कैंप फायर भी मैंने
बना लिया क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ही मरने को हो रहा है भूख के मारे। मैं फोर्ज बना सकता हूँ क्या? 20 लेवल चाहिए, 13 है मेरा अभी। एक काम करते हैं, एक टेरानोडॉन टेम करने चलते हैं। थोड़े बहुत बोलास तो मैंने बना लिए हैं, मुझे एक और चीज बनानी है जो कि है ये प्राइमल स्फीयर है जिससे कि एनिमल्स की टॉर्पिडिटी काफी ज्यादा बढ़ती है। एंड अभी चलते हैं एक टेरानोडॉन ढूंढने। फिलहाल तो मुझे कोई नॉर्मल सा ही टेरानोडॉन चाहिए क्योंकि अल्फा वाले को मैं अभी नहीं टेम कर सकता। ओके, वहां पर नॉर्मल वाले तो है, 90 लेवल का है वो। ये सिर्फ एपेक्स वाला मुझे ना देखे तो वो अच्छा रहेगा। ये 15 लेवल वाला है, वैसे ये फीमेल है, मुझे फीमेल चाहिए क्योंकि मुझे उनके एग्स भी चाहिए होंगे। ओके, बोला तो मैंने मार दिया और ये बेहोश भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इसको टेम करने के लिए मुझे 2 रॉ मीट चाहिए सिर्फ, तो ये सिर्फ 2 बार खाने से ही टेम हो जाएगा। और ये जब तक टेम होता है मैं थोड़े बहुत नार्को बेरीज कलेक्ट कर लेता हूँ। उस वाले को भी टेम कर सकते हैं हम लोग वैसे, रुको ऐसे नीचे उतरने दो। भाई नीचे उतर, तू फिर से ऊपर कहाँ पर गया भाई? वो पत्थर से टक्कर खा के फिर से ऊपर चला गया। ओके ओके उतरा ये, चलो टॉर्पिडिटी तो बढ़ रहा है इसका और ये बेहोश हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब आई थिंक इसको टेम करने के लिए शायद नार्कोटिक्स चाहिए हो सकते हैं क्योंकि इसका लेवल ज्यादा है और वहाँ पर एक ड्रॉप भी है। ड्रॉप में तो बेकार की चीज है भाई, ये वाला भी अभी तक टेम होना नहीं शुरू हुआ। लोगों नार्कोबेरी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके टॉर्पिडिटीज काफी ज्यादा तरीके से गिर रहे हैं। अबे भाई यार इसकी भी अलग ही दिक्कत, थोड़ी थोड़ी देर में इसे खाना पानी चाहिए होता है। एक तो एपेक्स वाला है वहाँ पर, शायद मुझे देख के मार सकता है। हाँ भाई फॉल डैमेज खा ले तू, वैसे गलती तो मेरी थी बट मैं इस पे ब्लेम करूंगा, मुझे नहीं पता। ओके, ये 71% टेम हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक इसके लिए हमें नार्कोबेरीज नहीं चाहिए होंगे। भाई थोड़ा खाना देना अपना। ओए फुटस्टेप की आवाज नहीं भाई, भाई 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 भाई, भाई दूर रहे भाई, ये भरक क्यों गया? हाँ भाई ठीक है, भाई ठीक है, ये मेरी तरफ आ रहा है अभी। साले मेरे दोनों टेरानोडॉन को मार दिया इसने, अबे मेरी तरफ आ रहा है मुझे मारने, बताओ। इसे मैं अपने बेस से दूर लेके जाता हूँ। आ भाई कैनन बॉल हो रहा है बेंटन का, आजा देख लूंगा तुझे। आ बन कैनन बॉल, अरे मेरा पीसी क्रैश हो गया भाई, मेरा पीसी क्रैश हो गया। ये प्राइमल फियर ऑन होने में सच में बहुत वक्त लगाता है और पता नहीं मेरा पीसी क्यों क्रैश हो गया था, रिस्टार्ट होने लगा था ऑटोमेटिकली। ओके तो आ गए हम लोग। ओके गाइस हम लोग फिर से इसी जगह पर स्पॉन हुए हैं। रुको, मैंने अभी तक इस टेरानोडॉन को जो है बेहोश नहीं किया है। अच्छा तो इस जगह पर गेम सेव हुआ था, तो मैं सोचो इस टेरानोडॉन को बाद में टेम करते हैं, पहले जो है इस मछली को, पहले जो है इसको दूर लेके चलते हैं हमारे बेस से। भाई इतना भी स्पीड से मत आ भाई, क्योंकि ये नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत करेगा। अरे भाई उसे मार मत भाई यार, इस तरफ देख ले भाई, वो टेरानोडॉन के पीछे पड़ रहा है, देखो। हाँ बहुत बढ़िया, इसीलिए मैंने केव में बेस बनाया ताकि इस तरीके के नमूने यहाँ पर स्पॉन ना हो। और हाँ बाय द वे गाइस, मेरा कीप इन्वेंटरी भी ऑन है, तो अगर मैं मरता भी हूँ तो मेरे सामान नहीं जाएंगे, जो कि ऑन करना जरूरी था, नहीं तो मैं पागल हो जाता क्योंकि इस मोड में हम लोग हजारों बार मरने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक और बेड बना दिया है क्योंकि मैं अगर फिर से मर जाऊँ तो इस बेड में कूल डाउन लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ उस एपेक्स वाले को अपने घर से दूर लेके चल रहे हैं, नहीं तो वो बार बार हमारा काम खराब करेगा। वो देखो उसको वहां पर मेरे बॉडी के सामने नाच रहा है और हमारे टेरानोडॉन भी मर गए भाई वहां पर। यहाँ से उतर सकता हूँ क्या मैं? बहुत बढ़िया, फिर से फॉल डैमेज खा लिया तो उसको एग्रो हो गया मेरे पे। भागो भाई भाग, जल्दी भाग। हाँ भाई अटक जा, तो पत्थरों में अटक जा। आ रहा है क्या मेरे पीछे? वो आ रहे, भागो। हाँ भाई हाँ ठीक है भाई, मैं मरा क्यों नहीं अभी तक? ओके वो पत्थर में अटक गया, ये भी तो नूबी है, सिर्फ ये मुझे एक हिट में मार सकता है। अच्छा वो अभी इसको मार रहा है, किसको मार रहा है भाई तू? और डिप्लोडोकस को मार रहा है ना? हाँ मार दिया भाई, उसको भी मार दिया। भागो, ये तो भाई बहुत खतरनाक है। ओए मेरे पीछे आ रहा है, इसको मैं कहीं दूर लेके जाता हूँ। यहाँ पर आ जा भाई। अबे डोडो पर गए मेरे पीछे, यहाँ के तो डोडो भी मारते हैं। टॉक्सिक ज़ॉम्बी डोडो, अल्फा डोडो भी है। अरे यार इसको थोड़ी थोड़ी देर में खाना क्यों चाहिए होता है? ये अल्फा डोडो भाई तू जमीन में क्यों चल रहा है? अच्छा उसे मैंने क्वेश्चन किया तो गुस्सा हो गया मेरे पे। भागो भाई, यहाँ पर एक 130 लेवल का टेरानोडॉन है, वो देखो वो अब भी आ रहा है मेरे पीछे। सब बोला मार सकते है क्या? हाँ वट डोडो भैया जी कहाँ गया? भाई वो एंडरमैन की तरह टेलीपोर्ट हो गया, क्या चल रहा है यहाँ पर? हेलो भैया जी, बेहोश हो जाओ भैया जी। चलो बेहोश तो हो गया भाई, मेरे पास मीट नहीं है, इसको मारने से भी तो मीट नहीं मिलेगा। ज़ॉम्बी डोडो भी आ रहा है मेरे पीछे, इस पे बोला काम करता है क्या? अच्छा काम तो करता है, चलो। अबे ज़ॉम्बी के बच्चे तू भी बेहोश हो जा, इसे भी टेम करेंगे हम लोग। वैसे तो ये मेल है, मेल से उतना फायदा नहीं है। अच्छा इसके लिए टॉक्सिक किबल चाहिए, मेरे पास टॉक्सिक किबल ही नहीं है। इसको मार देते हैं, इससे मीट लेके हम लोग इसे खिलाते हैं। बट आई थिंक इसके लिए नार्कोटिक्स चाहिए हो सकती है, ये तो नॉर्मल डोडो है, इसे हम लोग मार सकते हैं।
अरे मेरा स्पीयर टूट गया भाई। ये देखो यहाँ पर एक कामिकाज़े डोडो भी है, एंड इस डोडो के बिल्कुल भी सामने हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इस डोडो को मारता हूँ तो ये डोडो फूट जाएगा क्रीपर की तरह। यहाँ पर भी एक अल्फा डोडो है, अल्फा डोडो मुझे बाद में चाहिए, अभी तो नहीं चाहिए। और नमूना कहा गया, चलो इनसे हम लोग रॉ मीट ले लेते हैं। ओके बहुत बढ़िया, रॉ प्राइम मीट भी मिल गई। ओए 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 नहीं भाई, मैं अटक गया भाई, मैं अटक गया। ओ मेरे पीछे आ रहा है, मेरा स्टेमिना गया, मैं मरा भाई। चल ले भाई यार भाई वो मेरे पीछे आ रहा है भाई, तू स्टेमिना तेरा ऐसी की तैसी भाई। अरे मत कर मेरा पीछा, छोड़ दे मेरा पीछा भाई। मैं श्योर नहीं मरा। ओके भूल गया शायद उसने, मुझे पता नहीं कहाँ से चला आया था वो अचानक से। ओके ये 33% टेम हुआ है, इसे रॉ प्राइम मीट दे देते हैं, ज्यादा जल्दी टेम होगा। यहाँ पर एक पैरेट भी है, बट ये छोटा सा पैरेट है, यहाँ पर और भी पैरेट रहते हैं, आइस पैरेट वगैरह। रुको मैं एक और ये स्पीयर बना लेता हूँ। मुझे जो है इस स्पीयर से ये डोडो टेम करना है, क्योंकि ये फीमेल है और फीमेल डोडो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे नॉर्मल डायनोस के एग्स भी चाहिए होंगे। ओके हमारा डोडो टेम भी हो गया भाई, बहुत जल्दी टेम हुआ है तू तो। इसका बिहेवियर मैं चेंज कर देता हूँ न्यूट्रल, ये 83% टेम हुआ है। और यार ये कामिकाज़े डोडो मेरे पीछे क्यों आ रहा है, इसीलिए मैं इसे नहीं मार रहा था। मैंने सोचा मैं दूर था इसलिए मैं बच जाऊंगा, बट फिर भी मर गया मैं। कोई ना, वो लोग तो वहां पर टेम हो जाएंगे। रुको मुझे एक चीज बनाना है इन क्रिस्टल से, मुझे बनाना है ये सोल ट्रैप्स। तो ये सोल ट्रैप्स डायनो स्टोरेज के एक मॉड की वजह से हैं, और इनमें हम लोग अपने टेम डायनोस को स्टोर कर सकते हैं, तो डायनोस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में काफी आसानी होंगे इससे। ओके गाइस वहां पर मुझे दो एग दिख रहे हैं फैबलेट के, अब ये एग्स तो मुझे चाहिए, बट अगर मैं ये एक लेना शुरू करूंगा तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इन एक से बहुत कुछ बन सकता है, तो मुझे तो ये एक किसी भी तरीके से चाहिए, लेके भागते हैं। भाई कौन मार रहे? अच्छा ये फैबलेट टिरानोडॉन के एग्स थे। अरे भाई मैंने सोचा उन ट्राइक्स की तरह देखने वाले डायनोस के थे शायद। चलो कोई ना, हमें एग्स तो मिल चुके हैं यहाँ पर, बस वो टिरानोडॉन मुझे फिर से देख के ना मार दे। इसको पता है क्या मैं रिस्पॉन हो सकता हूँ? भाई मैंने तेरे अंडे नहीं चुराए, वैसे दिखने में तो तू काफी शानदार है, बट वो वाला भी यहाँ पर ही आ रहा है शायद। और गाइस हमारा टिरानोडॉन यहाँ पर टेम हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो देखो हम लोग इन बॉल से जो है इनको यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे, बस हम लोग इनके इन्वेंटरी में कुछ नहीं रख सकते, तो इनके इन्वेंटरी में जो भी रहेगा वो आ जाएगा ऐसे। और उसने सारे के सारे ड्रॉप टाइम मीट खा लिया भाई, ये थोड़ा थोड़ा पोकी बॉल की तरह है। इसके इन्वेंटरी में क्या है? टिंटो बेरी। ओके और यहाँ पर जब आया ही हो मेटल भी ले जाते हैं थोड़ा। हम लोग टिरानोडॉन का सैडल बना सकते हैं, 38 level चाहिए मुझे, मेरा है 18 level सिर्फ भाई, बहुत चाहिए मुझे। लेकिन इन दोनों को अभी के लिए यहाँ पर रख देते हैं। निकालने की एनिमेशन भी बहुत बढ़िया है वैसे, और वैसे इनसे ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि इस मॉड में जो है डायनोस बहुत ज्यादा मरते रहते हैं, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में ही मर जाए, या इस एपिसोड में भी हो सकता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत वुड की चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे जो है हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। एक मोर्टर एंड पिस्टल भी बना लिया मैंने, इसमें जो है हम लोग नार्कोटिक्स बनाने के लिए रख देते हैं। वो देखो नमूना अब भी यहाँ पर ही घूम रहा है, उसका हेल्थ तो कम हो चुका है बहुत। भाई यार कोई तो इसे मार दो, स्ट्राइक ने इसकी हाफ हेल्थ तो कम कर दी थी बट ये मर गया। एंड आई नो ये ट्राइक नहीं है, इसका कोई दूसरा नाम है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ट्राइक का छोटा भाई है वो। भाई सारे डायनोस को मार रहा है वो बेशरम। मैं एक और बेशरम इन डायनोस से मीट कलेक्ट कर रहा हूँ, और ये हाइड और ब्लड भी बहुत जरूरी है, बाद में जाके बहुत जगह लगेंगे। इसे भगाते हैं थोड़ी दूर। आजा भाई, गोलियां मत छोड़। वो तो अपने में ही अटक जाता है भाई। वहाँ पर रैप्टर्स भी है भाई, अल्फा एग है वहाँ पर। ओके अल्फा रैप्टर है इसलिए अल्फा एग है। मरा, देख लिया था भाई उसने मुझे। आ मरा। ओके मरी क्या भाई, बहुत मुश्किल है। तो उससे ध्यान हटा के हम लोग थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग पे ध्यान देते हैं, जिससे कि हमारा काफी ज्यादा लेवल अप हो सकता है। अभी के लिए तो मैं यहाँ पर वुड का ही लगा रहा हूँ, बाद में मैं जाके स्टोन या मेटल का कर दूंगा। और यहाँ पर वैसे एक झील भी है जहाँ पर मछली वगैरह तो नहीं है। ओके चलो फोर्ज बना सकता हूँ मैं अभी। भाई देखना मत। अरे देख लिया। अरे हाँ ठीक है भाई, अभी स्टैमिना खत्म होना था, बहुत बढ़िया। इसका स्टैमिना भी बहुत अच्छे टाइम में खत्म होता है। आजा नमूने, तुझे मैं समुंदर में लेके चलता हूँ। आजा भाई, वेट कर रहा हूँ मैं तेरे यहाँ पर। आ रहा है चलो। अबे यार इसके
पावर बीम्स। आई थिंक मैं उसे काफी दूर लेके चला गया हूँ। ऐसे फोर्ज बनाने के लिए मुझे थोड़े वुड चाहिए और वुड मिलेंगे मुझे उस तरफ। यहाँ पर एक ब्रॉन्टो भी है 20 लेवल का। एंड ओके गाइस, यहाँ पर सैबरूट भी है। ये सैबरूट वेजिटेबल्स में काउंट होते हैं, तो बहुत सारे डायनोस इससे ज्यादा जल्दी टेम होते हैं जो शाकाहारी डायनोस होते हैं, जैसे कि ये ब्रॉन्टो। और बहुत बढ़िया, वहाँ पर एक और स्पॉन हो गया। आई थिंक ये एपेक्स वाला नहीं है तो ये मुझे नहीं मारेगा शायद। वहाँ पर एक और है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ मार सकता है शायद भाई, तो मारेगा क्या? आई डोंट थिंक ये मुझे मारेगा। नहीं, मैं इसका बहुत क्लोज हूँ अभी तक, तो ये मार देता। वो एपेक्स वाला ही नमूना है इनमें से। ओके, तो बना लेते हैं एक एस प्लस का फोर्ज। अभी हम लोग इसमें जो है मेटल स्मेल्ट कर सकेंगे। ये गए थोड़े मेटल और ये गए थोड़े वुड। और मैं थोड़े गैसोलिन्स भी बनाने के लिए रख देता हूँ, क्योंकि गैसोलिन्स बाद में चाहिए होंगे हमें। नेक्स्ट मुझे बनाना है एक स्मिथी और प्राइमल स्मिथी। प्राइमल स्मिथी के लिए मुझे क्रिस्टल चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है अभी तो। ओके, तो मैंने एक स्मिथी तो बना लिया, इसे प्लेस कर देते हैं इस जगह पर। चलो, मैंने यहाँ पर मेटल के टूल्स भी बना लिए हैं। अभी इन स्टोन के टूल्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। और अभी इन मेटल के टूल्स के साथ चलते हैं हम लोग क्रिस्टल कलेक्ट करने थोड़े, और साथ में थोड़ा सा मेटल भी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। मैं फिर से उसी जगह पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मुझे पहले क्रिस्टल्स मिले थे। और यहाँ पर एक ब्रॉन्टो तो था ही, यहाँ पर एक ब्रांचियोसॉरस भी स्पॉन हो गया। दोनों लगभग तो सेम ही दिखते हैं, थोड़ा अलग है सिर्फ फेस कटिंग। यहाँ पर भी एक कामिकाजे डोडो है, और ये प्राइमल डोडो भाई भाई बहुत ज्यादा हेल्थ खाली इसने, तो इनसे बच के ही रहना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर एक टॉक्सिक डोडो भी है। रुक जा बेटा, टॉक्सिक तुझे मैं बाद में आऊंगा टेम करने। हाँ भाई, स्टैमिना खत्म हो जा मेरा भाई, स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा मुझे। जो देखो जान के पीछे लगा पड़ा है भाई। यहाँ पर एक एपिक डायलोफोसॉरस। एपिक्स जो है अल्फा से भी बेटर रहता है, और उससे तो मुझे बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने। यही पे क्रिस्टल मिले थे मुझे, बट यहाँ पर अभी नहीं है। आसपास देखते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है थोड़े बहुत। अरे यार, इस मकड़ी ने देख लिया भाई। दूर जा भाई। इसका स्पीड तो उतना कुछ खास नहीं है। चलो बस, तो मैं जाऊंगा। ये क्या है यहाँ पर? इनफोर्सर 85 लेवल का। ये भी तो मुझे उसी की तरह लग रहा है, थोड़ा बहुत मैकेनिक टाइप का। मैकेनिक क्या बोल रहे हो, टेक टाइप का। रैप्टर आ रहा है मेरे पीछे, साले गैलीमुए के बच्चे भाई। उसने मेरे पीछे आके रैप्टर छोड़ दिया। भागो, उसे मैंने बोला, मैं कैद कर दिया, भागो। चलो बच ही गया मैं भाई। वो अब भी मेरे ऊपर लाल दिखा रहा है। चलो व्हाइट हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बच गए। यहाँ पर भी एक रैप्टर है, बट मेरे पास बोला नहीं है भाई। भागो, मरा मैं भाग। अबे भाई भाग ले, इसके पीछे जा रैप्टर, इसके पीछे। अरे उसको मारना। हाँ बहुत बढ़िया भाई, उसको एक शॉट पे मार दिया इसने। ओके, अल्फा है ये इसलिए। हाँ तो भाई, क्या बोल रहा था रैप्टर, तू करा ली बेइज्जती। मीट ले लेते हैं इससे। ओ भाई, ये भी मेरे पीछे पड़ गया भाई। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है भाई। भाई नहीं, मैंने क्या किया था। कर्मा मिला भाई, मैं उस रैप्टर को बोल रहा था। हट यार, क्या हम लोग बना सकते हैं एक प्राइमल स्मृति? ओके बना सकते हैं, तो इस प्राइमल स्मृति को रखते हैं इस नॉर्मल स्मृति के पास। ओके, चलो परफेक्टली प्लेस हो गया। अबे इसमें हम लोग बहुत सी चीजें बना सकते हैं प्राइमल फेरियर के लिए। मेनली हम लोगों को बनाना है इसमें से किबल। अभी मेरा सिर्फ टॉक्सिक किबल ही ओपन हुआ है, जिससे कि मैं किसी भी टॉक्सिक डायनो को टेम कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे रॉक कैरेट भी चाहिए होगा। इस डोडो ने अभी तक अंडा भी नहीं दिया। मुझे एक गेटवे भी बनाना है, रुको। और गेटवे के लिए एक गेट भी। भाई ये तो बहुत छोटा गेट है। अरे यार, मुझे बीमत गेट चाहिए शायद इसके लिए। स्कैम हो गया भाई, मुझे बीमत गेटवे चाहिए जो कि 31 लेवल में खुलेगा। और ये क्या दे रहा है भाई, तो तुझे एक देना था। ओके, तो गाइस मैं सोचा हूँ आज के लिए यही तक रखते हैं। आज हम लोगों ने दो डायनोस टेम किए और यहाँ पर एक बेस बनाया छोटा सा। मैं ऑफ कैमरा बेस को थोड़ा अपग्रेड कर दूंगा, और यहाँ पर मेरी दाढ़ी भी चली आई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक टॉक्सिक डायनो को टेम करने वाले हैं, जो कि नॉर्मल डायनो से आई थिंक 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर देना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगले नए वीडियो में आर्क सर्वाइवल इवॉल्व प्राइमल फियर के। बहुत बड़ा नाम है भाई, मैं सिर्फ आर्क प्राइमल फियर बोलूंगा।